थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर। तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, खाओ अगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ। जैकी श्रॉफ के बात करने का अंदाज वैसे तो लोगों को खूब भाता है, उनका बोलने का स्टाइल सबसे अलग है। हाल ही में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई थे तो उन्होंने इंडस्ट्री के तमाम फिल्म मेकर्स एक्टर्स से मीटिंग की, जिसमें जैकी श्रॉफ के बोलने के अंदाज से सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां मौजूद एक्टर्स और फिल्म मेकर्स अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जैकी श्रॉफ सादर प्रणाम, वेलकम टू मुंबई। कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं, बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी, आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर हैं यहाँ पे सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर, 800 रुपया लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई। तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, खाओ अगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ, मगर इतना कैसे खा रहे सब में, आप क्या सब थिएटरों में, मुझे लगता है बराबर ना 800 रुपया। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो लाख अंदर आना शुरू कर दे थिएटर में। पिक्चर बनाएंगे, स्टूडियो बनाएंगे, मगर अंदर कौन आएगा, वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, आप आए आते रहे, खुशी होती है आपको देखने से, घर वाले पसंद करते हैं आपको, बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए सब आपको चाहते हैं, खुश रहे, कभी कुछ जरूरत पड़े खाना वाना तो बता दें सर। बता दें कि बैठक का मोटिव ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग और उसमें लग रहे खर्च पर चर्चा करना था, जहां जैकी श्रॉफ की बात ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा।